मेरी जनमानस से यही अपील है कि जो पॉलीथीन कचरा है, जो पॉलीथीन उनके आम दिनचर्या में प्रयोग होता है, उसको इकट्ठा करें, कूड़े में न मिक्स करें, कूड़े में न फेंकें, और 10 किलो इकट्ठा हो जाने पर हमारे रैग पिकर्स को बुला लें। हमारे जो नंबर्स हैं, जो अखबार शाया किया गया है, उन नंबरों पर किसी को भी बुला लें, वो जा करके आपके घर से उस पॉलीथीन को इकट्ठा कर लेगा और उसका उचित मूल्य आपको दे देगा। धन्यवाद। तो कचरे से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए हमने लगभग 30 वेस्ट एक्सचेंज सेंटर खोले हैं तथा 4 गाड़ियाँ प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त की हैं। हर घर से तथा हर दुकान से रैग पिकर्स के द्वारा प्लास्टिक कचरे को उठाने का प्रबंध किया है। हम इसको एक अत्याधुनिक रिसाइकलिंग प्लांट पर ले जाएंगे और वहाँ उसको ट्रीटमेंट करेंगे। इसकी रूपरेखा हमने बना ली है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक कचरा मिक्स होने पर पूरा वेस्ट बेकार हो जाता है, इसलिए इसको इकट्ठा करना ही सबसे मुख्य काम है। इसके लिए झांसी के सभी जनमानस से अनुरोध है कि इसे इसमें सम्मिलित न होने दें। प्लास्टिक कचरा फेंके मत, इकट्ठा करें और 10 किलो हो जाने पर हमें बुलाएं। हमारे नंबर्स हैं, उस नंबर्स का हमने सभी जगह अखबार शाया भी किया है और पंपलेट के माध्यम से लोगों को नंबर बताया है तथा रैग पिकर्स के पीठ पर भी हमारे टोल फ्री नंबर्स अंकित हैं। उन नंबरों पर आम जनमानस से हमारी ये अपील है कि उन नंबरों पर हमें कॉल करें। जब 10 किलो प्लास्टिक कचरा घर में हो जाए तो हमको कॉल करें, हमारा रैग पिकर जाएगा और वो कचरा आपका आपको उचित मूल्य देकर आपसे ले लेगा।